चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस साल भी एमबीबीएस की सीटों में काफी इजाफा हो रहा है, यानी कि ये सीटें 10,500 से भी ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं इस साल के लिए। एक बार हम पिछले साल से इस साल का इंक्रीमेंट देखें तो अभी तक इस साल के लिए 8,985 एमबीबीएस की सीट इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि ये 9,000 सीट अभी तक इंक्रीज हो चुकी है, और 1,300 जो यूपी के 13 मेडिकल कॉलेज इस साल से रन होंगे उसमें ये सीटें बढ़ जाएंगी। ये तो टोटल जो इंक्रीमेंट होगा 10,500 से भी ज्यादा सीटें इस साल के लिए काउंसलिंग में हमें देखने को मिलेंगी। यूपी की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रही है, 13 मेडिकल कॉलेज, ये सेकेंड राउंड तक आ जाएंगी इस साल के लिए। तो टोटल 10,500 से भी ज्यादा सीटें इस साल के लिए आएंगी और ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को जरूर इफेक्ट डालेंगी। तो ये सीटें आने से क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन कौन से कॉलेजेज में ये सीट बढ़ी है, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बढ़ी, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितने सीटें बढ़ी हैं और टोटल कितने सीटें बढ़ी हैं अभी तक। तो एमसीसी के पोर्टल पर हम देखते हैं तो आज की डेट में 706 मेडिकल कॉलेजेस शो हो रही हैं, यानी कि इन कॉलेजेस में 1,08,248 सीट्स अभी तक हैं। अब इसमें हम देखें एक बार पिछले साल का, तो पिछले साल 2022 में जो काउंसलिंग हुई थी 652 कॉलेजेस थी 2022 में, यानी कि जो टोटल सीट्स थी वो 99,263 सीट्स के लिए काउंसलिंग हुई थी, यहां तक इनके लिए एडमिशन हो गए थे। अब जो इंक्रीमेंट हुआ है, गवर्नमेंट न्यू कॉलेजेस 31 गवर्नमेंट न्यू कॉलेजेस इस बार एड हो गई हैं और सीटें इसमें 3,450 सीट्स हुई हैं। सबसे ज्यादा सीट से तेलंगाना में है, आंध्रा में है, लेकिन ऑल इंडिया में ये सीट आने से हर एक स्टेट के कैंडिडेट को फायदा होगा। इसमें ओल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखें तो 685 सीट्स ओल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हो चुकी हैं इस साल के लिए। अगर गवर्नमेंट का देखें इस साल के लिए 4,135 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं अभी तक के लिए, और इसमें जब ये गवर्नमेंट की ही 1,300 सीटें और ऐड हो जाएंगी यूपी की, तो इसमें काफी बड़ा इजाफा हो जाएगा गवर्नमेंट की कॉलेजों में। तो ये टोटल अगर 1,300 सीटें हो जाती हैं इसमें, तो इसमें 4,500 के नियर बाई मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें इंक्रीज हो जाएंगी, जो एक काफी बड़ा इजाफा है। यानी कि इसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत 50% सीटें आएंगी, तो हर एक स्टेट के कैंडिडेट को फायदा होगा इसमें। प्राइवेट न्यू मेडिकल कॉलेज 23 हो चुके हैं, 3,250 सीट से, ओल्ड में 1,600 है, टोटल 4,850 सीट्स हो गई है प्राइवेट के लिए। अगर हम सारा टोटल इंक्रीमेंट देखें तो ये 8,985 सीट्स अभी तक इंक्रीज हो चुकी हैं और इसमें 1,300 सीटें तो यूपी वाली ऐड होने की पॉसिबिलिटी है। और भी कॉलेजें, अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, और भी कॉलेज ऐड होंगी, तो जैसे ही कॉलेज ऐड होंगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में ये सीटें बढ़ी हैं। तो आंध्रा के जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सीटें बढ़ी हैं, 750 सीटें बढ़ी हैं। आसाम के 3 मेडिकल कॉलेज में 300 सीटें बढ़ी हैं, बिहार के 1 मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें बढ़ी हैं, जम्मू कश्मीर के 2 मेडिकल कॉलेज में 200 सीटें बढ़ी हैं, कर्नाटका के 1 मेडिकल कॉलेज में 150, एमपी में 150, महाराष्ट्र में 2 कॉलेजों में 200 सीट्स, नागालैंड में 100 सीट्स, उड़ीसा में 100 सीट्स, राजस्थान में 5 कॉलेजों में 500 सीट्स, तेलंगाना के 9 मेडिकल कॉलेज में 900 सीट्स का इजाफा हुआ है। तो ये टोटल 3,450 सीट्स न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हो चुकी हैं। एक बार हम पुराने गवर्नमेंट कॉलेज में देखें तो 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें अभी तक सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, इनमें 415 सीट्स अभी अपडेट नहीं हुई हैं, ये अपडेट होना बाकी है। तो टोटल 685 सीट्स इसमें इंक्रीज हो चुकी हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो 4,135 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं इस साल के लिए, और इसमें यूपी की 1,300 सीट्स और इंक्रीज हो जाएंगी, वो और ऐड हो जाएंगी, तो काफी बड़ा इजाफा हो जाएगा। एक बार प्राइवेट का देख लेते हैं, गुजरात की 4 प्राइवेट कॉलेजेस में 600 सीट्स का इजाफा हो रहा है इस बार। हरियाणा में 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 1 प्राइवेट कॉलेज के साथ 300 सीटों का इजाफा हो रहा है। कर्नाटका में 2 प्राइवेट कॉलेज के साथ 200 सीटें बढ़ रही हैं। एमपी में भी 1 कॉलेज 150 सीट्स के साथ आ रहा है। महाराष्ट्र के 3 कॉलेज ओपन हो रहे हैं जिसमें 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है,
जिसमें 100 सीट्स हैं और दो प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें 300 सीट्स हैं। उड़ीसा में भी 100 सीट्स के साथ एक प्राइवेट कॉलेज आ रहा है और तमिलनाडु में 3 प्राइवेट कॉलेज आ चुके हैं 450 सीट्स के साथ। तेलंगाना में 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 600 सीट्स के साथ इस बार आ चुके हैं। यूपी में भी एक SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आया है 150 सीट्स के साथ। इसी प्रकार से बंगाल में भी 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आए हैं 300 सीट्स के साथ में। तो ये टोटल 3,250 सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऐड हो चुकी हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1,600 सीट्स का इजाफा हुआ है। तो टोटल अगर प्राइवेट की बात करें तो अभी तक प्राइवेट में 4,850 सीट्स हैं, जिसमें ओल्ड कॉलेजेस में 1,600 और न्यू कॉलेजेस में 3,250 सीट्स का इजाफा हुआ है। तो ये जब हम अभी तक देखते हैं तो 8,985 सीट्स यानी 9,000 सीट्स अभी तक इंक्रीज हो चुकी हैं और 1,300 यूपी में भी सीट इंक्रीज होंगी। तो टोटल ये 11,000 के समथिंग सीट्स इस बार आने की पॉसिबिलिटी है और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, इतनी सारी सीटें इस बार आ रही हैं। तो आइए अब देखते हैं कैटेगरी वाइज राउंड वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इतने सीटें आने के बाद में। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बुक अवेलेबल है। आप इस बुक की सहायता से अपने पूरी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये जो बुक है ऑल इंडिया कोटा के लिए भी अवेलेबल है, स्टेट के लिए अवेलेबल है और आयुष वेटनरी के लिए भी अवेलेबल है। इसमें च्वाइस लिस्ट दी गई है 2023 के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप च्वाइस फिल कर सकते हैं, न्यू कॉलेज नीचे फिल कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ 4 साल की दी गई है, बॉन्ड वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है, हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल दी गई है स्टेट वाली बुक में। 4 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ऑल इंडिया की बुक में दी गई है। स्टेट की बुक में कॉलेज वाइज सभी कॉलेजेस की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है, सीट्स बॉन्ड कट ऑफ सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसमें ओपन स्टेट के बारे में भी स्टेट कोटा की बुक के बारे में समझाया गया है। अगर आप कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, यूपी इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये स्टेट कोटा की बुक में कट ऑफ वगैरह फीस वगैरह देख सकते हैं। इसमें डीम्ड के लिए ऑल इंडिया की बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इस प्रकार से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि हमने हमारी पेड सर्विसेज बंद कर दी हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए हम फिर से अगर वो बुक डाउनलोड करते हैं तो पेड सर्विस के लिए उनके बारे में सोचा जा सकता है। जैसे ही आप बुक डाउनलोड करेंगे एक बार हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे, आप हम अपने डाउट हमारे से क्लियर कर सकते हैं वन टाइम के लिए। अब हम बात करेंगे आगे कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इसमें इस बार के लिए। तो ये कट ऑफ मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, मैंने 10,000 MBBS सीट इंक्रीज का आइडिया लेकर के ये कट ऑफ का वीडियो में रिजल्ट आते ही बता चुका हूं और यही कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं पहले ही आइडिया लेके चल रहा था कि इस बार 10,000 सीट्स इंक्रीज होंगी। तो 10,500 हो या फिर 11,000 के नजदीक हो, कट ऑफ इस प्रकार से रहने की पॉसिबिलिटी है। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 615 रह सकती है, ये 615 से 618 तक भी जा सकती है फर्स्ट राउंड की, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको स्टेट में भी लेना होता है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में फिर से कम हो जाती है। तो ये 610 से लेके 612 तक जा सकती है ये कट ऑफ। मोपअप राउंड में 606 रह सकती है, स्ट्रे वैकेंसी में 605 कट ऑफ जा सकती है। ये मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनती है, तो आप ऑल इंडिया रैंक अपने कैलकुलेट कर लीजिएगा 605 पर कितनी ऑल इंडिया रैंक जा रही है। मैं यहाँ आइडिया लेके चल रहा हूँ कि इस बार यूआर कैटेगरी में 26,000 तक सिलेक्शन हो जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 611 कट ऑफ जा सकती है, सेकेंड राउंड में 606 कट ऑफ जा सकती है, मोपअप राउंड में 605 जा सकती है, स्ट्रे में 604 जा सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 613 कट ऑफ जा सकती है, 609 जा सकती है सेकेंड राउंड में, ओबीसी के लिए 606 जा सकती है, मोपअप में 605 जा सकती है, स्ट्रे में एससी में 500 कट ऑफ जा सकती है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड 483,
मॉपअप राउंड 478 और स्टे वैकेंसी राउंड 475 कट ऑफ जा सकती है। एसटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जा सकती है 476, 465 सेकंड राउंड में, 447 मॉपअप राउंड में और 445 कट ऑफ जा सकती है लास्ट राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में। तो ये कट ऑफ का वीडियो मैंने पहले रिजल्ट आते भी बता दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि रिजल्ट आते मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि 11,000 या 10,000 के बीच में सीटें इंक्रीज होंगी, उतने ही सारी सीटें इंक्रीज हो रही हैं, तो कट ऑफ ये रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जानकारी थी कट ऑफ के बारे में, बाकी अपडेट्स जैसे जैसे मिलेंगी जिस स्टेट में सीट इंक्रीज होंगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा, जय हिंद।